हेलो गुड आफ्टरनून एवरीवन. मेरा नाम विनोद कुमार है. मैं कर्नाटक से बिलोंग करता हूँ. मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है. प्लीज़ बेयर विथ मी फॉर 5 मिनट्स. इफ एनी ग्रामेटिकल एरर इन हिंदी प्लीज़ एक्सक्यूज मी. मैं बेंगलुरु के पास एक स्मॉल टाउन से बिलोंग करता हूँ. मैं जे हॉस्पिटल से एमडी फोरेंसिक पास किया है और उसी मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर करके काम कर रहा हूँ. आज SC ST एट्रोसिटी केसेस में जैसे प्रोफेसर मुंगेकर सर जी ने बताया, दो तरीके के वायलेंस हो सकते हैं. वन इज मेंटल एस्पेक्ट, दादा वन इज फिजिकल एस्पेक्ट, एक मानसिक और एक शारीरिक. तो मानसिक का जो पेन है दैट्स वेरी इमेंस एंड इट कैन नॉट बी मेजर एंड ऑल्सो इट इज नॉट वेरी आंखों को दिखता नहीं है. बट ये जो फिजिकल वायलेंस है इन द फॉर्म ऑफ इंजुरीज, दिस इज वेरी एविडेंट. तो ये जो अत्याचार होता है SC ST इनके ऊपर, इट कुड बी आइदर इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल असॉल्ट और अ मर्डर और अ रेप. तो ऐसे केसेस में एज अ एजुकेटेड पर्सन, एनीवन फ्रॉम आवर कम्युनिटी और अ मीडिया प्रोफेशनल, अ जर्नलिस्ट, तो इनका रोल क्या होता है? बहुत बार क्या होता है, सपोज फॉर एग्जांपल एक इंसिडेंट स्टेट करता हूं. मेरे गांव में एक दलित विडो हु इज अ मदर ऑफ वन मेल चाइल्ड, ड्यू टू सम रीजन उस पे चोरी की आरोपण लगा दिया गया था और वहां के लोग मिलके उसको बहुत मारे. उसके बाद एज यूजुअल उनका केस किसी ने लिया नहीं पुलिस स्टेशन में. उनको फिर हॉस्पिटल में एडमिट किया गया. शी वॉज डिस्चार्ज ऑन 18th डे ऑफ द एडमिशन और 2 दिन रखते हॉस्पिटल में तो इट वुड फॉल अंडर ग्रीवस इंजरी. तो इसका अवेयरनेस चाहिए. मार खाने के बाद 20 दिन या उससे ज्यादा अगर हॉस्पिटल में एडमिटेड है दैट वुड फॉल अंडर ग्रीवस इंजरी. ये अवेयरनेस उनको नहीं था. डॉक्टर ने बोला 18 दिन आप ठीक ठाक हो गए, आप जा सकते हैं हॉस्पिटल से. तो उन्होंने डिस्चार्ज लेके चले गए और उनके बदन पे सिर्फ ऐसे इंजुरीज थे, डॉक्टर ने रिपोर्ट में लिख दिया कि इट्स अ सिंपल इंजुरी, इट वुडंट फॉल अंडर ग्रीवस इंजुरी. पनिशमेंट फॉर सिंपल इंजुरी एंड ग्रीवस इंजुरी दोनों अलग अलग तरीके से होते हैं. ग्रीवस इंजुरी में एटलीस्ट 7 to 12 years तक पनिशमेंट हो सकता है. सो दिस इज वन एस्पेक्ट. द अदर वन इज कोई भी डेथ होता है विलेज में जहाँ पे अवेयरनेस बहुत ही कम है, लोगों को जानकारी नहीं है. पावरफुल सेक्शंस जो है वीकर सेक्शंस को इन वॉट एवर पॉसिबल वेज टॉर्चर देके उनका मौत किया जाता है. उसके बाद उनका जो पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन है वो मोस्ट प्रोबेबली प्राइमरी हेल्थ सेंटर, प्राथमिक आरोग्य केंद्र यहीं पे होता है. वहाँ पे डॉक्टर फर्स्ट ऑफ ऑल इतना एक्सपर्ट नहीं रहता है, दूसरा पॉलिटिकल एंड सम अदर फोर्स के दबाव में आके उनके हिसाब से रिपोर्ट लिख देते हैं. तो आप ऐसे केसेस में ये काम कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन रेज एन इश्यू, हमको मैजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट चाहिए. जो डेथ का पंचनामा करेंगे वो तहसीलदार और उनके ऊपर का जो भी अधिकारी है एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, वो उस आदमी ने पंचनामा करना चाहिए. और जो भी पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन होता है, शव विच्छेदन,
वो सिविल हॉस्पिटल नहीं तो नियर बाई टर्शियरी केयर हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज है तो बहुत अच्छा है, वहाँ पे शव विच्छेदन होना है एंड पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन हैज टू बी कंडक्टेड अंडर वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी. ये जो भी एविडेंस है एक बार वीडियोग्राफी अंडर के पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन किया तो वो विक्टिम्स का जो भी लॉयर है उनके पास आ जाता है वीडियो, तो उसमें आप देख सकते हैं. अगर डॉक्टर ने कुछ इंजुरीज मेंशन भी नहीं किया और कॉज ऑफ डेथ चेंज करने का भी कोशिश किया तो उसमें पता चल जाता है. ये एक ग्रीवस इंजुरी का हुआ और एक मर्डर का हुआ. सो कुछ चीजों में मर्डर को सुसाइड करके दिखाने का कोशिश हुआ होता है. तो ऐसे केस में मैं एक दो एग्जाम्पल बताता हूँ कैसे अलग हो सकता है. एक दलित महिला को हमारे लाइक 50 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम माय होम टाउन उनके ऊपर राखी डाल के उनको जला दिया गया था, बट उसको बाद में सुसाइड करके दिखाया गया. बट एक डॉक्टर ने एक पॉइंट आइडेंटिफाई किया कि उनके दोनों पैर जल गया था, उनका दोनों पैर. यूजुअली सुसाइड केस में दोनों पैर जलता नहीं है. अगर उनको उनके ऊपर किसी ने राखेल डाल के मर्डर किया तो उनमें दोनों पैर जलने का चांस ज़्यादा है. तो लेटर इट वॉज प्रूव दैट इज होमिसाइड. अभी भी केस चालू है वो. तो ऐसे छोटे मोटे चीज़ें हैं जो आप डॉक्टर पे वहाँ का जो भी पोस्टमार्टम करते हो डॉक्टर के यू हैव टू ब्रिंग दीज थिंग्स टू हिज नोटिस. और एक रेप के बारे में बात करेंगे. तो रेप में तो अकॉर्डिंग टू 376 आईपीसी आपको पता ही पुलिस का कुछ लेटर की जरूरी नहीं है. किसी ने आपके ऊपर रेप किया और मेडिकल डॉक्टर मेड बी अ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और अ क्लिनिक और इवन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, पुलिस का लेटर की जरूरी नहीं है. रेप एग्जामिनेशन करो इन पे. डॉक्टर खुद हो के रिपोर्ट लिख सकते हैं इनके ऊपर अत्याचार हुआ है या नहीं हुआ है, जो भी इंजुरीज दिखते हैं, जो भी सैंपल्स कलेक्ट करना चाहिए और फाइनल रिपोर्ट बना के बाद में वो पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते हैं. ये जानकारी आप जो भी विक्टिम है उनको वहाँ उन तक पहुँचना चाहिए. और कभी एक पोस्टमार्टम हो गया, एक बार पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन एट अ प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कंसिडरिंग जो भी कॉज ऑफ डेथ दिया है, मृत्युचार नक्की कारण अहवाल, वो आपको अगर डाउट है या आप उससे सहमत नहीं है तो आप री पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं. और ये रिक्वेस्ट आप इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को कर सकते हैं. अगर वो नहीं सुन रहे हैं तो उनके ऊपर का जो भी DYSP या SP रहता है उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं. सो दीज आर द वेरी फ्यू पॉइंट्स आई एम शेयरिंग विद यू बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम जस्टिस शुड बी गिवन टू वन हुज अलाइव एंड ऑल्सो वन हुज डेड. एंड द वन हुज डेड ही इज नेवर going to lie. Thank you.